जसनोच नीच का होता पर तो भूषण के बंधान है जसनोच तो खबरों चाहिए मसल बहुत मशहूर है। मुख्यमंत्री जी का घोषणा जो है थोथा हो रहा है, सुल्तानपुर के प्रशासनिक अधिकारियों की मिली भगत से वहां पर पूरी तरीके से जंगल राज कायम हो गया है, लेकिन ऑर्डर नहीं हो रहा है, क्योंकि ऑर्डर करेंगे तो नक्शा को कैंसिल करना पड़ेगा, गलत नंबर दिखा करके नक्शा पास कराया गया। 337 नंबर जो है ऑलरेडी जो फ्री होल्ड उस पर रामा शंकर मार्केट पहले बनी हुई है, स्वर्गीय रामा शंकर के नाम से बंगला और बागवानी के नाम से पट्टा है, उसका प्रशासनिक अधिकारी को पावर नहीं है, ये गवर्नमेंट का पावर है। न्यायिक अवमानना की मुकदमा उच्च न्यायालय में दायर करूंगा। नेता जी क्या प्रकरण है सुल्तानपुर का? ये वो माफियाओं का पूरी तरीके से जाल फैला हुआ है सुल्तानपुर जिले में। मुख्यमंत्री जी का घोषणा जो है थोथा हो रहा है, जो बातें कहते हैं कि वो माफियाओं को समाप्त कर दूंगा, वो माफिया कहीं पर जमीनों पर कब्जा नहीं कर पाएंगे, ये सब झूठी बातें हैं। चलिए सुल्तानपुर में आपको दिखाते हैं, बस स्टेशन पर ठीक छावनी सदर में है जो सिविल लाइन नंबर 1 में पड़ता है, एक मार्केट बनी हुई है, बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है जिसका काटा संख्या 233, 234, 235 है और फर्जी तरीके से इसको 337 दिखाया गया है, जबकि इस काटा संख्या से 337 नंबर 150 मीटर दूरी पर बना हुआ है, वहाँ पहले से रामा शंकर मार्केट ऊपर बनी हुई है, लेकिन इस नंबर पर नियत प्राधिकारी और नजूर विभाग के लोगों ने मिलकर के भ्रष्टाचार के तरीके से एक अवैध निर्माण करा दिया किसी भूमाफिया के मिलने से जो शासन सत्ता से लगा हुआ, जिसके ऊपर सुल्तानपुर की जो सांसद उनका बर्दाश्त प्राप्त है। ऐसी स्थिति में उस पर कोई अभी तक मतलब कई 8-2 साल से कम से कम विचाराधीन है, एसडीएम सदर के यहाँ जो नियत प्राधिकारी हैं उनके यहाँ मुकदमा विचाराधीन है नक्शा कैंसिलेशन का, उच्च न्यायालय का आदेश भी हो गया 4 सप्ताह में डिसीजन करने के लिए, उच्च न्यायालय का आदेश भी पारित हो गया, टाइम बीत गया लेकिन आज तक ऑर्डर नहीं हो पा रहा है। ये इस अधिकारियों के सुल्तानपुर के प्राथमिक अधिकारियों की मिली भगत से वहां पर पूरी तरीके से जंगल राज कायम हो गया है, अवैध निर्माण का बोलबाला है, प्रदूषण फैला हुआ है और सही तरीके से कोई काम नहीं हो पा रहा है। जो है गोपाल बाबापुर के पास सिविल लाइन नंबर 1 GIC स्कूल के ठीक उत्तर साइड में और बस स्टेशन पर स्थित है और गाटा संख्या 333, 334, 335, 336 छावनी सदर जो कि बंगला और बागवानी के नाम से पट्टा है उस पर बना है, इसका प्री होल्ड नहीं हुआ, ये बंगला जो है ये आवास जो है बाबू रवि शंकर स्वर्गीय श्री रवि शंकर श्रीवास्तव के नाम से फेमस है, उनका उनका आवास था यहाँ पर, उनका मरु स्वर्गवासी हो जाए, वर्तमान समय में श्रीमती रंजना शंकर उनकी बहने और पुत्री स्वर्गीय श्री हरि शंकर के नाम से ही है ये मार्केट बनवाया गया है पूरी तरीके से। आज हाल ही हो गई है, सुनवाई इसलिए नहीं हो रही है, कहावत एक दो लाइन के कब्जा है बता रहे हैं, जसनोच नीच का होता पर तो भूषण के बंधान है, जसनोच खबरों चाहिए मसल बहुत मशहूर है, ये आज प्रमाणित हो रहा है, चाहे चाहे किसी सरकारी दबाव में चाहे दूसरे रूप में, ये आज नक्शा आज जो है आदेश नियत प्राधिकारी द्वारा नहीं किया जा रहा है, उस नियत प्राधिकारी से यहाँ से जब एक साल पहले भी नियत प्राधिकारी थे उन्होंने ऑर्डर नहीं किया, ये नियत प्राधिकारी जो इसमें इन्होंने भी ऑर्डर नहीं, एक साल से ज्यादा से समय व्यतीत हो गया, जब नहीं ऑर्डर पारित कर रहे थे तो मैंने उच्च न्यायालय में एक रिट फाइल किया जिसमें उच्च न्यायालय ने नियत प्राधिकारी को डायरेक्शन दिया है कि 4 सप्ताह में ऑर्डर पारित करें, लेकिन आज तक 4 सप्ताह भी बीत गया लेकिन ऑर्डर नहीं हो रहा है, क्योंकि ऑर्डर करेंगे तो नक्शा को कैंसिल करना पड़ेगा, वो गलत तरीके से दिखा करके जो है गलत नंबर दिखा करके नक्शा पास कराया गया। जैसे एक उदाहरण बता दूं, एक पेड़ का परमिशन लेकर पूरे जंगल को काट डालिए, पूरी बाटका काट दिए, वही स्थिति वहां पर है, 337 नंबर का परमिशन लेकर के फ्री होल्ड करा करके 337 नंबर जो है ऑलरेडी जो फ्री होल्ड उस पर रामा शंकर मार्केट पहले बनी हुई है, 333 नंबर, 334 नंबर, 335 और 336 नंबर जो कि श्रीमती लली देवी वाइफ ऑफ स्वर्गीय श्री रमा शंकर के नाम से बंगला और बागवानी के नाम से पट्टा है, जबकि पट्टे की नवैया चेंज करने के लिए सुल्तानपुर का प्रशासनिक अधिकारी को पावर नहीं है, ये गवर्नमेंट का पावर है, राज्यपाल पावर पर पट्टे की नवैया नहीं बदल सकते हैं, और वो रिवोल्ट भी नहीं हुआ है, वहां पर बंगला एक आलिशान बिल्डिंग खड़ी कर दी है और वहाँ उसकी पानी निकासी के लिए जो सैकड़ों वर्ष पुरानी नाली थी उसको उन्होंने बंद कर दिया और दूसरी नाली खोल दिया जिससे लोगों घरों में गंदा पानी जा रहा है, अधिकारियों को दिखाई नहीं पड़ रहा है टाइम से, तो मैं न्यायिक अवमानना की मुकदमा उच्च न्यायालय में दायर करूंगा दोषी अधिकारियों के खिलाफ जिनके ऊपर लायबिलिटी है नियत प्राधिकारी के खिलाफ,
माननीय उच्च न्यायालय में एक न्यायिक अवमानना का मुकदमा कायम करूंगा। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NTTV भारत।